सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और सोलो कॉन्करर की जानदार शानदार रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। एंड मेरे भाई, आज वाली वीडियो भी लिटरली एकदम ही दवाई रहने वाली है। और यार, काफ़ी सारे लोग भाई टॉप 10 तो निकाल लेते हैं, लेकिन यार उसके बाद उनको चिकन निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज वाली वीडियो यार उन्हीं लोगों के लिए है जो कि भाई टॉप 10 में तो ईजी इंटर हो जाते हैं, लेकिन भाई वो लास्ट में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण कि उन वाले बंदों को चिकन नहीं मिलता है। तो यार आज वाली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करा है, और यार लास्ट में जाकर बिल्कुल ही इंटेंस फाइट होने वाली है, तो तुमको मजा भी आएगा। और यार इस वाली वीडियो में मैं दो टीम अप वाले बंदों को भी मारूंगा। तो यार उससे पहले बात करते हैं यहाँ की। अब देखो यार, यहाँ पर मैं उतरा था जॉर्ज पुल, और एक बंदे को तो मैं इजी 1v1 में फिनिश कर देता हूँ। एंड यार उसके बाद तो इस वाले टावर पे मैं होल्ड करने लग जाता हूँ। तब यार यहाँ पर एक बंदा ओपन से भाग रहा होता है, तो उस वाले बंदे को भी मैं वहाँ पर इजी फिनिश कर देता हूँ। और भाई वहाँ पर मैं काफी देर तक रुकता हूँ नहीं, क्योंकि यार वहाँ पर और बंदे थे भी नहीं, क्योंकि यार प्लेन पाथ काफी दूर था, तो जोर्जो पुल की तरफ बंदे कम ही गए थे। तो वहाँ पर मैं उसको क्लियर करके आ जाता हूँ। और उसके बाद तो यहाँ पर मेरे पे 100 पॉइंट हो चुके थे, तो एक फ्लेयर गन भी मंगा लेते हैं। अब यार जैसे ही मैं सर्कल में जा रहा होता हूँ, तब यार यहाँ पर दो बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक बंदा तो चेक में होता है, एंड एक बंदा जो होता है वो लेफ्ट साइड में पहाड़ी पर होता है। अब देखो यार इन दोनों बंदों को किस तरीके से फिनिश करते हैं। अब यार यहाँ पर जो एक बंदा सैक में होता है उसको तो मैं नेट से फिनिश कर देता हूँ। एंड एक बंदा जो पहाड़ी पर होता है लेफ्ट साइड, उस पर यार मैं एक M4 का स्प्रे देता हूँ, एंड उसको भी इजी फिनिश कर देते हैं। एंड यार उसके बाद तो यहाँ पर मैं सर्कल में आ जाता हूँ। एंड यार फिलहाल तो जैसे ही मैं सर्कल में आता हूँ, तब यार यहाँ पर मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है जो कि भाई इस वाले सैक में बैठा हुआ था। तो यार यहाँ पर मैं एक मॉली फेंकता हूँ जो कि भाई अपने आप से सैक के बाहर फेंकता हूँ, एंड वो वाला बंदा बाहर की तरफ भागता है, एंड उसको मैं ईजी फिनिश कर देता हूँ। और यार उसके बाद तो यहाँ पर मेरे को एक और बंदा स्पॉट होता है। तो यार यहाँ पर इस वाले भाई को भी इजी फिनिश कर देते हैं। और यार उसके बाद तो जैसे कि अभी तुमको पता ही है जोन का बिल्कुल एंड चल रहा है, तो यार देखो अगर तुम कभी भी लास्ट जोन में जाते हो, खास करके सोलो में, तो भाई तुमको थ्रोबल्स तो कम से कम 8 नेड उठा लेने हैं, कम से कम मैक्सिमम। अगर टॉप 5 बंदे बचते हैं ना, तो भाई वहाँ पर तुम 8-10 नेड उठा सकते हो। अब लास्ट में जो फाइट लेनी है ना, तुमको नेड ही से लेनी है, क्योंकि यार वहाँ पर भाई तुम्हारे 90% चांस हो जाते हैं कि तुम सामने वाले बंदे को थ्रोबल्स के थ्रू ही भाई फिनिश कर दोगे। तो यार यहाँ पर तुम थ्रोबल्स का काफ़ी ज्यादा यूज कर सकते हो टॉप 5 में आने के बाद। तो यार वहां पर तुम्हारे भाई 20% चांस और बढ़ जाएंगे कि तुमको चिकन मिल जाएगा। तो यार इसलिए भाई कभी भी तुम एंड सर्कल तक पहुंच जाते हो, तो ट्राई करना कि एटलीस्ट यार तुम #2 तो आ जाओ। एंड यार उसके बाद तो अपना पूरा 100% दे देना कि तुम्हारा चिकन मिस नहीं होना चाहिए। और यार जब भी मैं भाई #2 पर जाता हूँ, तो भाई कम से कम 90% तो भाई मैं चिकन ले ही लेता हूँ, एंड 10% ऐसा होता है कि मैं #2 पे आने के बाद भी चिकन मिस कर देता हूँ। एंड यार फिलहाल के लिए तो बात करते हैं अपने इस वाले गेम की। अब देखो यार यहाँ पर तुम्हारा भाई एक टीम अप वाले बंदों को भी मारने वाला है, तो अभी मजा आएगा। अब यार यहाँ पर मेरे सामने की तरफ में US के पीछे एक बंदा होता है, एंड यार यहाँ पर एक मैं नेड फेंकता हूँ। और यार जैसे कि मैंने बोला कि नेड का भाई काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है, तो यार देखो यहाँ पर मैंने इस वाले बंदे को भाई नेड से फिनिश कर दिया। एंड यार उसके बाद तो जो टीम अप वाले बंदे होते हैं वो अभी के लिए भाई वॉच टावर में होते हैं, एंड इन वाले बंदों को शायद भी रिलोकेशन पता नहीं मालूम थी या नहीं थी। तो यहाँ पर एक बंदा ओपन में भागता है, और अब देखो यार यहाँ पर इस वाले टीम अप वाले बंदे को भी किस तरीके से फिनिश करते हैं।
एंड यार इसी के साथ में इस वाले गेम में भी इजी चिकन निकाल लेते हैं। एंड फिलहाल तो गाइस यही था आज वाले वीडियो में, कल मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। और जिस भाई की आईडी से मैं अभी तक खेल रहा था भाई, उसका मैंने रात ही कॉन्कर लगा दिया था और रात मैंने रैंक छोड़ी थी भाई 312 पे, एंड उसको सुबह इजी कॉन्कर मिल जाता है। एंड यार फिलहाल तो तुम मेरे एग्जैक्ट सब्सक्राइबर देख सकते हो, 1415 है। तो इस वाले वीडियो के साथ में यार हम 5 सब्सक्राइबर का गोल रखते हैं, तो होप सो यार तुम लोग करवा दोगे। तो कल मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। और करवा देना भाई 5 सब्सक्राइबर तो करवाई देना।